हेलो डियर्स, वेलकम टू गणित ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 + 2^1/3 + 2^2/2/3। ओके, एक्स का वैल्यू एज यू कैन सी ये दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x² + 6x - 2। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यू है 2 + 2^1/3 + 2^2/3, हम यहाँ पर पुट करेंगे, फिर यहाँ पर पुट करेंगे, फिर यहाँ पर पुट करेंगे, सो क्वेश्चन काफ़ी लंबा होने वाला है। सो बेसिकली ध्यान से अगर आप देखो तो एक्स क्यूब आ रहा है, तो थोड़ा क्यूब वाला फार्मूला में भी ट्राई किया जाए। तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। जो गिवन वैल्यू है उसको पिक करते हैं। सबसे पहले इट इज़ गिवन एक्स इज इक्वल टू 2 + 2^1/3 + 2^2/3। सो व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2 * 1/3 + 2 * 2/3 कर दूँ, तो नो डाउट नॉर्मल हमने इस 2 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया है। अभी क्यूब है, सो क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स हम कर देते हैं। सो इधर भी क्यूब कर दिया और इस साइड भी क्यूब कर दिया। सो बेसिकली मैं एक बार आपको फार्मूला जो है बता देता हूँ। ए माइनस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab * a - b, और प्लस वाले में क्या होता है, ये सारे जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाते हैं, राइट। सो अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी होल क्यूब रहने वाला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि 2 का क्यूब रहेगा, माइनस 3 a और b, एंड देन ए माइनस बी दैट इज़ एक्स माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड का हो गया है। राइट हैंड साइड में अगेन वही करेंगे, 2^1/3 इसका होगा क्यूब प्लस बी का, यस प्लस है तो प्लस रहने वाला है, 2^2/3 इसका होगा क्यूब प्लस 3 * a की वैल्यू इंटू जो b का वैल्यू है वो, और ए प्लस बी यानी कि 2^1/3 + 2^2/3, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक्स क्यूब माइनस 8, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6x आ जाएगा, और यहाँ पर होगा एक्स माइनस 2, एंड इट विल बी इक्वल टू पावर का पावर क्या रहने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। सो 2^1/3 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर रहेगा 2 की पावर कुछ इस तरह से, प्लस 3 * जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 2 की पावर रहने वाली है 1/3 + 2/3 कुछ ऐसा। और इसके बाद ये रहेगा बिल्कुल ऐसे ही फिलहाल के लिए, तो +2^2/3, करेक्ट। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 - 6x² + आ जाएगा 12x। तो अगर अभी देखें तो एक्स क्यूब और 6x² तो आ चुका है, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। तो ये क्या होगा, 3 * 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 * ये क्या बनेगा, 1/3 + 2/3 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 बनेगा सिंपल। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, ये वैल्यू हमने एक्स माइनस 2 के बराबर रखा था, तो इसको मैं एक्स माइनस 2 लिख देता हूँ, करेक्ट। अभी अगले स्टेप में देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x विल बी इक्वल टू 4 + 2 = 6 प्लस 3 * 2 = 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2, करेक्ट। सो अभी ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x विल बी इक्वल टू 6 + 6x - 12। सो यहाँ मैं अगला स्टेप यहाँ कुछ कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x हो जाएगा, जो ये वाला 6x लेफ्ट में जाएगा तो, और माइनस 12 प्लस 6 ये माइनस 6 आएगा राइट में जा करके, ये लेफ्ट में जा करके ये प्लस 6 बन जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 0, करेक्ट। सो हमने जो वैल्यू निकालना है उसका भी देख लेते हैं एक बार। सो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, और इसको जब ध्यान से देखोगे तो प्लस के 6x और माइनस का 8 प्लस का 6 ये आ जाएगा माइनस का 2। ध्यान दीजिए बाकी सभी वैल्यूज का हम यूज कर चुके हैं, विल बी इक्वल टू 0। और माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ हमने यही वाली कैलकुलेट करनी थी, तो ये फाइनली अपना आंसर आ गया कि ये वाला जो पूरा है ये इक्वल टू 0 रहने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा सो दैट वो भी इस क्वेश्चन को समझ पाएँ सीख पाएँ। और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम हैड, बाय।